हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने बहुत सारी सब्जियां खरीदी हैं और हम बनाने वाले हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल। इसके लिए हमको चाहिए मशरूम, बेबी कॉर्न, रेड येलो ग्रीन पेपर, ब्रोकली, स्प्रिंग अनियन और टमाटर, प्याज और लहसुन तो हमारे पास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बीन्स और गाजर बताना तो भूल ही गई, तो सबसे पहले हम बीन्स को पतला और थोड़ा लंबा काट लेंगे। स्टर फ्राइड वेजिटेबल में सब्जियों को किस ढंग से काटा जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे इनको बनाना होता है। तो अगर पतली और लंबी सब्जियां होंगी तो वो जल्दी से सॉटे हो जाती हैं, इसलिए हमको सभी सब्जियों को लंबा और पतला काटना होगा। हमने बीन, बेबी कॉर्न और ब्रोकली देखिए काट लिया है। अब हम इसके बाद मशरूम काटेंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो आप कुछ कम सब्जियों से भी स्टर फ्राइड वेजिटेबल बना सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो सब्जियां आप इसमें ले सकते हैं। अब हम ग्रीन अनियन को भी गोल और पतला काट लेंगे। इसकी लीव्स इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसकी लीव्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम रेड, येलो और ग्रीन पेपर उनको भी काट लेंगे। क्रिस्पी पेपर्स स्टर फ्राइड वेजिटेबल में बहुत अच्छे लगते हैं। हमने अब अपनी सारी सब्जियां काट ली हैं। स्टर फ्राइड वेजिटेबल में सब्जियों का काटना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा लहसुन क्रश करके रख लेंगे और अदरक भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब हमने गैस के ऊपर पैन चढ़ाया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे और बारीक कटा हुआ हमारा क्रश्ड लहसुन डाल देंगे। इसके साथ साथ ही हम चॉप्ड जिंजर भी इसमें डाल देंगे। अदरक और लहसुन का फ्लेवर स्टर फ्राइड वेजिटेबल में बहुत अच्छा लगता है। हमारा अदरक और लहसुन जैसे ही थोड़ा ब्राउन होने लगेगा हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बीन्स डालेंगे। जो वेजिटेबल गलने में देर लगाती है उसको हमें सबसे पहले डालना होता है, जिससे वो ज़्यादा देर के लिए पक सके। बीन्स के बाद हम इसमें बेबी कॉर्न डालेंगे। बेबी कॉर्न को भी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। स्टर फ्राइड वेजिटेबल बनाते हुए फ्लेम को हमें हाई पे रखना होता है, जिससे सारी सब्जियां क्रिस्प रहें। ये सब्जियां थोड़ी हार्ड थी, हमने इन्हें पहले डाल दिया था। ये देखिए थोड़ी थोड़ी नरम पड़ गई हैं। अब इसके बाद हम गाजर और मशरूम डालेंगे और इनको भी हम हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। सर्दियों में इतनी ताज़ी और रंग बिरंगी अच्छी सब्जियां आती हैं, हमें इन सब्जियों को किसी ना किसी रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हेल्दी भी हैं और इनको बनाने में मज़ा भी आता है। देखिए हमारी ये सारी वेजिटेबल काफ़ी सॉटे हो गई हैं। अब एंड में हम सारे बेल पेपर्स, येलो, ग्रीन एंड रेड बेल पेपर और इसके साथ साथ स्प्रिंग अनियन ये डालेंगे और इन्हें भी सॉटे कर लेंगे। ये बहुत जल्दी सॉटे हो जाते हैं, इसलिए इसको हमने सबसे एंड में डाला है। देखिए हमारी सब सब्जी एकदम सॉटे हो गई है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे। इसके साथ हम विनेगर डालेंगे, विनेगर से हल्की सी खटास आती है। 2 चम्मच हॉट एंड स्वीट सॉस डालेंगे और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। इस वेजिटेबल्स को हमें तीखा बनाना है। हमने लाइट सोया सॉस लिया है, वो भी हम 1 चम्मच इसमें मिला लेंगे। हमारी स्टर फ्राइड वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है।
अब इसमें हम भुने हुए तिल जो हमने पहले से ही भून के रखे थे वो इसमें हम ऊपर से डालेंगे। सेसमी सीड का स्वाद स्टर फ्राइड वेजिटेबल में बहुत अच्छा लगता है और इसको आप हॉट हॉट सर्व कीजिए। स्टर फ्राइड वेजिटेबल खाने में मज़ेदार और हेल्दी। सो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।